हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो मैंने सोचा आज व्लॉग भी बनाते हैं और मैच भी इंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी इंजॉय कराते हैं। तो अभी ये LCD लेके मैं बाहर जा रहा हूँ शॉप पे। स्कूटर लैपटॉप लेके आएगा तो हम लैपटॉप के ज़रिए स्क्रीन के साथ कनेक्ट करेंगे और सारे मिल के मैच देखेंगे। अरे सिंजरानी साहब भी शॉप पे आया हुआ है। हाँ हारू, कौन जिससे आजवाल? दिस इज द पाकिस्तान। पाकिस्तान? हाँ को इंडिया जिससे ना दे तेरे मुंह में। बाकी यार पाकिस्तान जिससे, क्यों जो पिछली दफा मैं आया था एशिया कप पे, इंडिया जिससे इन दफा पाकिस्तान जिससे ना हजार हजार पे शर्त लगा शर्त हराम है। हाँ कौन जिससे दस इंशाल्लाह पाकिस्तान। पाकिस्तान जिससे? चलो चाचा आज कौन जिससे मैच, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान। पक्की गाल है? चलो सही देख सो इंशाल्लाह। एक हो गया यार LCD रख, स्कूटर आवे तो वालों को कैसे दिन दे दसी चावल। हाँ हाँ मशीनरी सारी पूरी करनी है। हाँ यार जुन्नी खा तू दस यार कौन जिससे आज? पाकिस्तान यार मैच देना केले को भी जो ताकत हम से वे सेटिंग है ना यूं केले भी मेज टेबल सारा कुछ भी एक नवा कार की तरह आता सच्चा थी जन। अभी टाइम 1:15 हो रहा है, मैच 2:30 है, शायद 2 बजे है, तो फिर 2 बजे जाऊंगा बाहर। कौन जीतेगा जैद खान, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान? अच्छा फाइनली गाइस स्कूटर आ गया, मतलब कमरुज़मान आ गया। वालेकुम सलाम। तो कमरुज़मान कौन जीतेगा मैच? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गाइस अभी हमारा मैच यहाँ पे अड़ गया। चलो जी बिजली की शो खत्म। टाटा बाय 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 बाय। स्लाइड चली गई है, बहुत अच्छी टाइम पे गई है। आउट 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 यार जायज वाले अपने टावर शावर पट वजो असा बिजली का बिल नहीं सने ने तुसा जायज वाले टावर ही पट वजो सारा देख क्या पड़े ए चले त मरे। हां सैनिक का रिपोर्ट है चीज को आउट करना था। तो गाइस हमारे साथ बहुत बुरा हुआ यार, लोड शेडिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रही है और मुझे लग रहा था कि आज नहीं होगी आज मैच जो है, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस अभी सीन ये बना है कि मैच का जो हमारा प्लान था वो तो थोड़ा सा फ्लॉप हो गया, क्योंकि एक तो लाइट का मसला था और दूसरा ऊपर से लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही थी किसी मोबाइल ऐप पे। तो वो हमने सोचा चलो मोबाइल पे सारे अपने अपने घर बैठ के देखते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सादिक बाद, फिर उसके बाद जाना है रहीमर खान। तो मैंने कहा चलो उन लोगों को कंटिन्यू करते हैं और जो जो भी एक्टिविटी करेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे। बाकी मैच का तो फिलहाल सीन यही लग रहा है कि भाई पाकिस्तान इजीली जीत जाएगा, क्योंकि 4 खिलाड़ी इंडिया के आउट हो गए हैं। तो देखते हैं कि अभी इंडिया कम बैक कर पाता है या पाकिस्तान ये मैच 1-0 जीत जाएगा। तो अभी मैच काफ़ी पड़ा है तो वो आए हैं शूज़ वगैरह देखने के लिए। ये ली थी मैंने शूज़ कुछ दिन पहले ही। मैच बड़ी स्क्रीन पे लगा हुआ है और इंडिया ने भाई कम बैक कर लिया है बहुत ही खतरनाक तरीके से दौर। ओ भाई ये देखें भाई रश ही रश है। अभी हम लोग ले रहे हैं आइसक्रीम, क्या बात है भाई। ये है जी कूल जोन सिटी पार्क के बिल्कुल साथ, बहुत ही मजे की आइसक्रीम मिलते हैं यहाँ पे। वो सब्सक्राइब करेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगा यहाँ से। तो गाइस अभी स्टिलर पे हैं, देखते हैं यहाँ पे जगह जगह मिल जाए। मैच की वजह से हर जगह ही रश है। गाइस सीन ये बना है कि मैच जो है वो ड्रा हो गया, एक एक पॉइंट मिला है दोनों टीम्स को बारिश की वजह से ही। तो गाइस कल बारिश ने हमारे साथ धोखा किया है और व्लॉग भी खैर इतना मज़े का नहीं बना, क्योंकि सफ़र में ही गुजरा है सारा व्लॉग। तो क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा मैं गाँव की सैर कर रहा हूँ। लोगों दिखाते हैं कपास का सीज़न तकरीबन अब बस एंड होने ही लगा है। यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो देखते हैं जाके। पिंडा वाले जट सी पिंडा वाले जट सुंदरी विद सुंदरी। अभी जवाब ने कहा कि मैंने
छक्का मारना है तो मैंने वीडियो ऑन कर दिया। बचा थी गे। अब देखते हैं क्या बनता है जवाब का। नॉट आउट भाई, नॉट आउट। ये वाला प्लेयर तो लगता है अभी पैदा हुआ है। चलो कोई नहीं, दुनिया में आ गया। अभी जवाब फिर क्रीज पे आ गया। ओहो हो, धुम धुम ताना ना धुम 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 ताना धुम। अभी यहाँ पे नाइट टूर्नामेंट लगा हुआ है तो आज मैच देखने आया हूँ। शायद खेल भी लूँ क्योंकि गांव की टीम का मैच है। चलो हेलो जी, एक डेढ़ महीने से आप लोगों ने नोट किया होगा कि व्लॉग काफ़ी कम आ रहे हैं चैनल पे, तो उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये थी कि मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तकरीबन डेढ़ मंथ की इंटर्नशिप थी जो मैंने डिग्री की हुई है FFC में, तो वो जाके कल कंप्लीट हुई है। तो दिखाता हूँ आप लोगों को कि FFC वालों ने गिफ्ट भी दिया है, शर्ट गिफ्ट की है। ये है जी शर्ट, मैं दिखाता हूँ फुल खोल के। ये शर्ट है जिसके ऊपर FFC का लोगो है और ये ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट, तो मेरा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, तो ये गिफ्ट भी दिया FFC वालों ने। तो अभी का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ FFC, दो तीन दोस्त और भी थे जो इंटर्नशिप कर रहे थे, पास जाऊँगा और उनको लेके सादिबाद जाना है। थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, उनको शहर दिखाना है क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी है, मतलब इस्लामाबाद के दो और एक सवात का है, तो थोड़ा सा सादिबाद भी उनको दिखाते हैं और उसके बाद फिर उनको हम टर्मिनल पे छोड़ेंगे, फैसल मूवर के टर्मिनल पे, तो उनको बाय बाय करेंगे। तो चलते हैं फिर अभी शादी के बाद। इस फाटक भी बंद है। तो अभी सीन ये है कि एक और दोस्त को भी उठाना है, वो यहाँ का लोकल है, तो डेढ़ महीना वो भी इंटर्नशिप में मेरे साथ था, तो उसको हम रास्ते से उठा लेंगे, कहीं ना कहीं खड़ा होगा। कब से इसको धूप पे खड़ा किया हुआ है मैंने। कैसे हो भाई, आज व्लॉग बन रहा है। मैंने कहा यार रहीब को दिखाएं अपनी ऑडियंस को। वालेकुम सलाम, चलें फिर। चलो जी। तो गाइस ये है जी अहमद फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं अहमद साहब, तबीयत से ठीक है? चलो यार बैग शैग रखते हैं इसका। अहमद से पूछते हैं कि भाई इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, डेढ़ महीना FFC में रहा है, तो इस्लामाबाद से आप इधर आए हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ व्यूअर्स को, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस इलाके का? अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल एक्सपीरियंस, मैं कई दफ़ा इतना दूर आया हूँ मतलब घर से इस्लामाबाद से साइड पे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस FFC का बड़ा अच्छा है, मतलब है मेरा मज़े का प्लान शांत, तो टाइम को पता नहीं लगा, शेफ से गुजर गए, ऊपर से आके लोग थे रिहायशी लोग बड़े अच्छे मिल गए। अच्छा, टाइम गुजरता रहा है। यहाँ पे गर्मी है कि नहीं? यहाँ पे गर्मी तो पसीना आपको देखकर सामने आया है, गर्मी कितनी है यहाँ पर। हम लोग तो भाई आदमी हैं, कैसे जहेर मंडी में तो ये होता है हर दूसरे दिन बारिश होती है, यहाँ पर यह बारिश ही नहीं होती, बस एक मसला है। यार मैं उधर छोड़ के आया सब कुछ, मैंने आपको रखा था। चलो जी चलें। यार ये हैं जी मास भाई, मास भाई सवाद से हैं, तो भाई चलें फिर। चलो सादे वाद हैं। चलो जी अबे थोड़ा सा घुमाते हैं आपको। तो गाइस अभी हम चाय ग्रिल पे आ गए हैं, दूसरे टेबल पे ये भाई शर साहब बैठे हैं, आकाश सर। इसका बाकी कैमरा अच्छा यार। खान भाई ये देखो लाइटें शाइटें ऑन हो गई हैं, अभी इसका माहौल बनेगा। माहौल
यार थोड़ा रिव्यू तो ना चाय ग्रिल का कैसा लगा आपको? चाय ग्रिल माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना अच्छा होगा। कहाँ पे नाच रहा था अहमद? यार उधर एमसीएस में होता है ना ये कॉन्सर्ट वगैरह होता है, उसमें अहमद जो है भरपूर हिस्सा लेते हैं। तो मैं आगे चला जाऊंगा। अच्छा खान भी आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ इधर का, इस इलाके का एक्सपीरियंस बताओ, चाय ग्रिल का थोड़ा सा बताओ। गुजर गया टाइम, चलो स्वाद का थोड़ा सा बताओ ना व्यूअर्स को, किस तरह का है स्वाद? यार स्वाद आप आओगे ना तब तक आपको विजिट करा देंगे, इसलिए मैं आपको क्या बताऊँ। स्वाद बस अल्हम्दुलिल्लाह स्वाद बहुत अच्छा है, खूबसूरत इलाका है, बहुत है। सही यार, आप भी कोई पिंडी की कोई खास चीज? नहीं यार, लाल हवेली है, लाल हवेली राजा बाजार मई रोड। हां यार पिंडी सेवेंटियां मशहूर है, 70 हुई पिंडी बॉयज, फुल पिंडी बॉयज, पिंडी बॉयज। और यार ये तो इधर का ही है, बस्ती खाई से है ये। तो भाई ये शेक वगैरह भी आ गए हैं और ये फ्राइज वगैरह। भाई जान पिज्जा शिज्जा नहीं खा रहे थे, कहते भाई हम बहुत हैवी हो जाएगा। इसका नाम क्या है? मार्गरीटा। अच्छा चार खा रहा हूँ। ये अजी खान भाई का विलेज, वीडियो रुकी हुई है ये वाला गाँव। हाँ मतलब एक सेकंड ये दिखा दो, ये वाला है। क्या बात है भाई, ये यहाँ पे हमारे घर ये रोड है। अच्छा, ये रास्ता जाते हैं ये सारा। इस एरिया का नाम क्या है? मानियार स्वाद। सही। आज एक पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर बना लें यार। फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, कैसे जैसे जी भाई लोग टिकट्स वगैरह ले रहे हैं। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं भाई जान, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं भाई। तो यार इनको कहो सब्सक्राइब का तो कह दो व्यूअर्स को, ठीक है भाई जान, बाय बाय। ओके अल्लाह हाफिज़, सेफ जर्नी खान भाई। ओके अल्लाह। जी गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, इनको ड्रॉप कर लिया, भी निकल रहे हैं फिर घर की तरफ। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इंशाल्लाह आप एक्टिव हो के ब्लॉग आएंगे। बाय बाय। अख लाल लिबास काले कुड़ते मैं जीवे मूसा ऑन द माइकल मैं पढ़ लै वो मेरे वैरियां नु जाके कोई दस दे और रवो बच के मैं देंदा मैं कुठा पवे।